अच्छा इस नक्श की जो जमीन होगी वो सोलह खाने की होगी लेकिन इसकी चाल का और इसका तरीका होगा ठीक है अब इसकी चाल का तरीका पहले समझ लें ताकि आपको नक्श भरने में आसानी हो इसकी जमीन से भरा जाएगा ये और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स भी कर लेना मोबाइल मेरे सामने आ चुका है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह ठीक है अब ये एक से लेकर सोलह तक गिनती नक्श की है अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे फिडन इसका दूसरा खाना कहाँ ये रहा हमान तीसरा नमरूद चौथा शिद्दत फिर हम दोबारा लौटेंगे फिर फिरा हामान इसको इसी तरीके से भरा जाएगा ये नहीं कि सीधे सीधा आप लोग भर रहे हों ठीक है फिरा हमारान और ये नमरूद और <coughs> सिद्धार्थ फिरा नहीं कहीं गलती हुई है मुझसे फिर हामान नमरूद शिद्दत फिरा हामान नमरूद शिद्दात सही है हामान अच्छा हाँ फिर आ गया ना अब आएगा हामान हामान ठीक है और अब आएगा नहीं। एक मिनट आप इसकी तरतीब दोबारा समझें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एक जरा सी गलती किसी के लिए नुकसान का बास हो इसीलिए ये आ गया फिरा ठीक है सेकेंड फिर हामान ये नक्श भरने का इस चीज़ का जरा ख्याल रखना इसीलिए मैं थोड़ा सा तवज्जो से आपको समझा रहा हूँ फिरौन हामान नमरूद ठीक है और फिर चौथा शिद्दत फिर यहाँ आ गया फिर आउन, पांच छठा फिर हमान ठीक है फिर आउन, हामान यहाँ आ गया नमरूद और यहाँ आ गया सिद्धार्थ ठीक है आप नवे भी फिर दोबारा हम शुरू करेंगे फिर से फिरऑन दसवा खाना हामान ठीक है ग्यारहवा हामान नमरूद ठीक है और बारवा आ गया शिद्दत ठीक है तेरहवा फिर आएगा फिरौन ठीक है चौदहवा हामान ठीक है फिर आएगा नमरुद्धात अब आपके समझ आया कि मुझे थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब लोग क्या करते हैं सीधे सीधे भरना शुरू कर देते हैं फ़िरौन हामान नमरूद सिद्धार्थ शिद्धात नमरूद हमान फ़िरौन ऐसे भरना शुरू कर देते हैं जबकि इसकी तरतीब बिल्कुल उसी तरतीब से भरना है जैसे मैंने भरा है खानों में यानी कि इसमें चार हैं फ्र हमान नमरूद और शिद्दत। ये चार हैं और चारों ही चार चार बार इस्तेमाल होंगे और हर पहर में हर सतर में एक एक नाम होगा कि जैसे फ़िरावन ये पूरी इसमें एक ही आ आएगा अब शिद्दत पूरे इसमें एक ही आएगा लेकिन तरतीब उसी तरह से भरी जाएगी यानी कि पहले फ़रावन हामान, नमरूद शिद्दत इस तरीके से पूरी फ़िरौन हामान नमरूद शिद्दत फ़िरौन हामान नमरूद शिद्दत फ़िरौन हामान नमरूद शिद्दत ये तरतीब है इस तरीके से भरा जाएगा और ये चार हैं इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है आपने पी डी एफ दिखाया नक्शा दिखा दे। ये देखेंगे आपके पी डी एफ पे भी नज़र आ गया होगा नक्श साफ सुथरा आप उसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये शैतान लिखा हुआ है ठीक है ये नक्श मुकम्मल है ठीक है अच्छा जब आप ये नक्श लिखेंगे इसका तरतीब तरीक़ेकान है तरीके इस चाल पे लिखेंगे ठीक है इसकी ज़मीन है सोलह की और इसी तरतीब से इसके नक्श की भराई की जाएगी ठीक है अब इसकी ज़क़ात अदा करने का तरीका यह है कि ये पच्चीस नक्श रोज़ाना रोज़ाना लिखे जाएंगे 25 नक्श रोज़ाना लिखें 25 दिनों तक ठीक है जब पूरे 25 नक्श रोज़ाना 25 दिनों तक लिख लेंगे उसके बाद फिर आपने इसको जला देना होगा इसको समंदर में नहीं बहाना दरिया में नहीं बहाना इसको जला देना है इसको उसके बाद आप जिसके लिए लिख के देंगे फलीति की सूरत में देंगे उसके अंदर कोई शरीर के अंदर कोई अगर आसेब होगा कोई जन्नात होगा शैतिन जन्नात होंगे या कुछ भी होगा वो सब का सब उसके अंदर से जल जाएगा अच्छा इस नक्शे की ख़ास बात भी है कि बाज़ात इंसान के दिमाग में खलल होता है आई बस समझ इंसान किसी स्ट्रेस में होता है या कुछ ऐसी मूवीज़ देख लेता है या कुछ ऐसे ड्रामेज़ देख लेता है कि वो अपने आप को सवार कर लेता है और फिर वो जब अपने आप को सवार करता है तो उसकी उस जैसी फीलिंग्स होने लगती हैं इस तासीर है की इस कि अगर उसको धुनी दी जाए ना तो ये उसके दिमाग को खोल देता है उसके अंदर जो ख्याल जो वसफ़ा जो खलल आ जाता है ना इसको बिल्कुल रिमूव कर देता है जिस तरह आखिरी स्टेज के अंदर डिमेंशिया जैसी बीमारी हो जाती है ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये नश और मैं समझता हूँ ये आसानी के साथ आपके समझ आ गया होगा लेकिन मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि नक्श जब आप लिखेंगे तो तरतीब से लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व जैसे तरतीब मैंने बताई इसी तरतीब से इसको लिखेंगे नक्श को ठीक है ये चार शैतान 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 आ गए मुझे पानी पिलाना <laughs> ये अमल